हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बघेलखंड पठार के बारे में बताया था, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और यह जो बघेलखंड पठार था, वह दक्कन पठार का पूर्वी भाग का ही हिस्सा था, यह भी मैंने आप लोगों को बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछले सारे वीडियो पसंद आई होगी। जो चैनल में नए आए हैं वो पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें और जानकारी भी दी जाती है। चलिए, हम लोग अभी जो देखेंगे वह है हमारा छोटा नागपुर पठार, जो कि पूर्वी दक्कन पठार का हिस्सा है। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो दोस्तों, यह है हमारा पूर्वी दक्कन पठार। इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दामोदर नदी और साथ ही साथ महानदी है। मान लेते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, यह है हमारा छोटा नागपुर पठार। यह है हमारा छोटा नागपुर पठार और इसका जो विस्तार है वह भारत के अगर राज्यों की बात करते हैं तो यह है हमारा बिहार में कुछ हिस्सा इसका पड़ता है, ऑल झारखंड में यह पड़ता है, साथ साथ में इसका हिस्सा है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में भी और वेस्ट बंगाल में भी है। इसके अलावा में यह छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसका विस्तार है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो है छोटा नागपुर पठार वह काफ़ी बड़ा है और इसका जो है यहाँ पे विस्तार आपने देख ही लिया। तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ को समझते हैं। तो यह जो है हमारा छोटा नागपुर पठार, इसका जो है उत्तरी सीमा जो होता है, यह हमारा सोन नदी से इसका उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। और दक्षिणी जो सीमा है, मतलब ये जो छोटा नागपुर पठार है, तो इसका जो दक्षिणी सीमा है, यहाँ आप लोग मैप पे देख रहे हैं, तो यह है महानदी। तो इस दोनों के बीच में ही हमारा छोटा नागपुर पठार पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में एक एक चीज़ को देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ अन्य कुछ भी जानकारी जो होगी वो आपको मैं अभी बताऊँगा। छोटा नागपुर पठार के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं आगे में। तो यह है, मान लेते हैं यह है हमारा छोटा नागपुर पठार और इसका जो उत्तरी सीमा तो मैंने आप लोगों को बता दिया, यह है सोन नदी और नीचे में जो नदी बहती है वह है हमारा महानदी और उसी के बीच में है हमारा छोटा नागपुर पठार। और यहाँ पे जो आप नदी देख रहे हैं यही है हमारा दामोदर नदी, जो कि इस पठार को लगभग बीचों बीच से होकर के बहती है और इसको दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। तो कौन सी नदी बांटती है, तो यह है हमारा दामोदर नदी, ये आपको याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये जो है दामोदर नदी, यह इस छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। तो जो है पहला हमारा वह है हजारीबाग पठार और दूसरा है रांची पठार। तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, यही है हमारा हजारीबाग का पठार और नीचे वाला जो है वह है हमारा रांची का पठार, यानी रांची प्लेटू। ठीक है, तो ये हमारा जो काम करता हुआ है दामोदर नदी और यह इस छोटा नागपुर पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यही इस छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी भी है। आपको ये भी याद रखना है, छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी भी है हमारा दामोदर नदी। इसके अलावा में अन्य बहुत सारी नदियाँ भी इसी पठार से होकर के बहती हैं, गुजरती है। उसमें आप लोग जानेंगे बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये सब सारे इसी छोटा नागपुर पठार से होकर के बहती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि दामोदर नदी जो है वह इस पठार के बीचों बीच से होकर के बहती है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और ये आगे चल करके यह गंगा नदी में मिल जाती है, ये भी आपको याद रखना है कि गंगा नदी में यह दामोदर नदी मिल जाती है। तो दोस्तों, इसका जो पठार का विभाजन है वह हजारीबाग पठार है और रांची पठार। ऊपर वाला जो है हजारीबाग पठार, नीचे वाला है रांची पठार, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो हजारीबाग पठार है उसको भी हम लोग दो हिस्सों में और जानेंगे। एक जो है पहला वह है हमारा उत्तरी हजारीबाग पठार और एक है हमारा निचला हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार। और इसी जो है निचला हजारीबाग पठार है, इसी का हम लोग एक और नाम जानते हैं, कोडरमा पठार। यही हमारा कोडरमा पठार और एक और नाम जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चौपारण, चौपारण कोडरमा पठार।
तो ये जो सारे नामे हैं वो हमारा निचली हजारीबाग पठार का जो कि हिस्सा है हमारा हजारीबाग पठार का, और इसके बाद में है हमारा रांची पठार। तो हम लोग इसको एक एक करके एक एक चीज़ को समझते हैं। आइए हजारीबाग पठार को समझते हैं। तो दोस्तों हजारीबाग पठार जो है उसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। मान लीजिए यह है हजारीबाग पठार, तो इसका जो है दो भाग है, एक होता है हमारा ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा होता है निचला हजारीबाग पठार। तो इसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, तो ये आपको याद रखना है, इसका दो भाग होता है। तो पहले बात करते हैं उत्तरी हजारीबाग पठार जो कि है हमारा निचला वाला हिस्सा, और ऊपर में जो है वह हमारा निचला हिस्सा। और इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इधर में होता है हमारा रांची पठार, और ये टोटल जो होता है वो तो है हमारा छोटा नागपुर का पठार इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो जो है सबसे पहले उत्तरी हजारीबाग पठार के बारे में देखते हैं, तो यह जो है ग्रेनाइट चट्टानों के साथ साथ पहाड़ियाँ भी इस पठार पर मिलती है। तो दोस्तों हजारीबाग पठार का जो ऊपरी हजारीबाग पठार है उसमें आपको ग्रेनाइट की चट्टाने, ग्रेनाइट के पत्थर भी मिल जाएंगे जो पठार से निर्माण होकर के ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी, और इसमें साथ साथ पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, यानी कि ऊपरी हजारीबाग पठार पर आपको पहाड़ियाँ भी मिलेगी। इसी कारण से आप हजारीबाग को हजार बागों की भूमि भी कहते हैं, ये अभी आपको याद रखना है। तो हजारीबाग को हजार बागों की भूमि, तो इसी से इसका नाम भी पड़ा है। तो ये हो गया आपका उत्तरी हजारीबाग पठार के बारे में। अब निचला हजारीबाग पठार के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोडरमा पठार। तो जिसको हम लोग कहते हैं कोडरमा पठार, इसका एक और नाम है, तो इसका नाम हम लोग कहते हैं चौपारण कोडरमा पठार, ये भी है इसका नाम। तो ये भी आपको याद रखना है, वो निचला हजारीबाग पठार को ही कहते हैं। दोस्तों कोडरमा पठार पर ही झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसको समय शिखर भी कहते हैं, गिरिडीह जिले में अवस्थित है। तो यह है, तो झारखंड की जो है सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग पारसनाथ पहाड़ी कहते हैं, और उसी का एक और नाम है समेत शिखर। तो यह हमारा इस निचला हजारीबाग पठार पर ही गिरिडीह जिले में है झारखंड का, और यह है कोडरमा पठार पर। तो ये आपको याद रखना है। और यह जो है पारसनाथ या समेत शिखर वो किस धर्म के लिए फेमस है, किस धर्म से रिलेटेड है, तो यह जो है पारसनाथ पहाड़ी या समेत शिखर वह जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यह जो है पारसनाथ या समेत शिखर वो आपका होता है जैन धर्म से रिलेटेड। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो इन्हीं के यहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ था, इसी कारण से यह पारसनाथ पहाड़ी इसको कहा गया है, यानी कि 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इनका पार्श्वनाथ नाम था, और इसी से मिलता है यह नाम पारसनाथ, और इसी को हम लोग समेत शिखर भी कहते हैं। और यह गिरिडीह जिले में है, और इसकी जो ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, कहीं कहीं पर आप लोगों को 1370 मीटर भी देखने मिल जाएगा। तो इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि ये जो पारसनाथ पहाड़ी है यानी कि समेत शिखर जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है हमारा, ऊंचाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1365 मीटर या तो फिर 1370 मीटर, ये दोनों आप लोगों को देखने मिल जाएगा इस पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की। तो यह जैन धर्म से रिलेटेड है, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कोडरमा, झुमरी तिलैया, गिरिडीह आदि प्रमुख नगर हैं। तो इस पठार पर जो है कोडरमा, झुमरी तिलैया और साथ साथ गिरिडीह जो है वह प्रमुख नगर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर कोडरमा जो है वह माइका यानी कि अभ्रक के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह जो है हमारा कोडरमा वह अभ्रक के लिए पूरे भारतवर्ष में फेमस है। भारत का सबसे ज़्यादा अभ्रक यही कोडरमा में ही निकलता है या पाया जाता है, इसी कारण से हम कोडरमा को अभ्रक राजधानी भी कहते हैं, यानी कि अभ्रक राजधानी या तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं माइका कैपिटल। तो यह थी हमारा कोडरमा पठार का ही हिस्सा है। तो इतनी सारी जानकारी को आपको याद रखना है, ये पूर्वी दक्कन पठार के अंतर्गत में छोटानागपुर पठार का ही हिस्सा है। अगला वीडियो में हम बात करेंगे रांची पठार के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको वो वीडियो भी देखना है। तो आप लोग एक सीरीज से होकर के सारे वीडियो को देखते जाएंगे, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें, और जो चैनल में नए आए वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे और ऐसे ही जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।